पीएम किसान मानधन योजना स्पेशल, बिना निवेश किए पाएं 36,000 रुपए सालाना। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं तो आपको भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान मानधन योजना का लाभ दे रही है। मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आपको कोई दस्तावेज भी नहीं देना है। साथ ही आप इस योजना के तहत बिना कुछ खर्च किए सालाना 36,000 रुपए पा सकते हैं। भारत सरकार की छोटे और सीमांत किसानों को हर महीने पेंशन देने की योजना है, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए यानी कि साल के 36,000 रुपए सालाना पेंशन दी जाएगी। यदि कोई किसान इस योजना का लाभ ले रहा है तो इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको कोई दस्तावेज भी नहीं देने हैं, क्योंकि ऐसे किसानों का पूरा डेटा भारत सरकार के पास पहले से ही मौजूद है। पीएम किसान स्कीम से प्राप्त लाभ से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुनने की छूट है। इस तरह किसान को सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। 6,000 रुपए में से उसका प्रीमियम कट जाएगा, यानी जेब से बिना खर्च के किसान को 36,000 रुपए सालाना भी मिलेगा और अलग से 3 किश्त भी मिलेगी। पशुपालन मछली पालन करने वालों को भी मिलेगा इस योजना का लाभ। इस योजना का लाभ सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि पशुपालन करने वाले व मछली पालन करने वाले भी उठा सकते हैं। ये सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं है। खेती किसानी, मछली पालन और पशुपालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, भले ही वो किसी और की जमीन पर खेती करता हो, इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 75 साल होनी चाहिए। कैसे बनवाएं किसान क्रेडिट कार्ड? पीएम किसान स्कीम की वेबसाइट पर किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, इसलिए बैंकों से ये अपील की गई है कि सिर्फ 3 दस्तावेज ही लें, उसी के आधार पर लोन दें। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, पैन नंबर और फोटो ली जाएगी। इससे ये पुष्टि होगी कि आप किसान हैं। वहीं आपसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा, इससे पता चलेगा कि आप पर किसी बैंक में आवेदक का कर्ज तो बकाया नहीं है। 4% ब्याज पर मिलेगा कर्ज। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3,00,000 रुपए तक का कर्ज सिर्फ 7% ब्याज पर मिलता है। समय पर पैसा लौटा देते हैं तो 3% की छूट मिलती है। इस तरह ईमानदार किसान को 4% ब्याज पर ही पैसा मिल रहा है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।